वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.3 ऑफ द क्लास 6 फॉर द मैथमेटिक्स ऑफ सेंट जेवियर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 1, कि डाइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड बॉल इन फिगर ए बी सी आर द गिवन इक्विवेलेंट। क्या है इसका फ्रैक्शन लिखना, तो ये बहुत आसान है। क्या इसमें कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट शेडेड हैं? 1 ना, तो ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब है इक्विवेलेंट करोगे तो कटने के बाद ही 1 और 2 आएगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर जो लिखोगे 2/4। ठीक है, 4 पार्ट में टोटल कितने पार्ट हैं? 4 हैं। कितने शेडेड हैं? 2 हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखो होगे तो उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, कि आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। बताइए कि ये क्या, ये जो फ्रैक्शन लिखा है ये इक्विवेलेंट है। तो एक सीधा सीधा मैं तरीका बता दे रहा हूँ, इससे हम स्मॉल मतलब कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है इससे पता करते हैं। हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या लिखोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या लिखना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले देखो, 3 से स्टार्ट करोगे और 28 में मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 3 से स्टार्ट करके 28 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 28। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर लिया, इसका आंसर आ जाएगा 8 × 3 = 24। ठीक है, 2 कैरी और 3 × 2 = 6 और 6 × 2 कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, 84 आ गया। अब 21 × 4 करोगे, ठीक है, 21 × 4 करोगे तो हमारा यहाँ भी 84 आ रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों ही स्थिति में क्या आ रहा है? हाँ, 84 आ, इसका मतलब ये बहुत सार इक्विवेलेंट। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ऐसे इसमें भी करना है, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, तो क्वेश्चन नंबर सी में ये मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में भी ये था, उसको देख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि राइट एनी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द, कोई भी 5 इक्विवेलेंट लिखना है। ठीक है, तो हमारा जैसे 6/7 है ना, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट लिखोगे तो 6/7, एक काम करो डबल लिख लो, तो इसका डबल फिर इसका भी डबल, दोनों का डबल करते हैं, एक ही करना है, तो हो जाएगा 12/14 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरा लिखना चाहोगे तो 7/6 इज इक्वल टू 6/7 × क्या करना है? ट्रिपल कर लो, है ना, क्या हो जाएगा? ट्रिपल कर लोगे तो आ जाएगा, दोनों में ट्रिपल करना है, तो 6 × 3 हो जाएगा 18 हमारा, और ये 7 × 3 = 21। ठीक है, ऐसे करके हमने तो 2 बना दिया है ना, आपको भी इससे और आगे बनाना है, 3 और बनाना है, मतलब 2 से हमने कर दिया, फिर 3 से कर दिया, आगे 4 से कर लेना, फिर 5 से कर लेना, फिर 6 से कर लेना। ठीक है, ऐसे करके हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 नंबर, कि फाइंड द इक्विवेलेंट फैक्टर फ्रैक्शन ऑफ 4/7 हैविंग डिनोमिनेटर। हमको पता है, क्या पता है? डिनोमिनेटर पता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि 4/7 तो लिखा ही हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि न्यूमरेटर 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर 100 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? हम ये डिनोमिनेटर को x मान लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम x मान लेंगे, हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। अब चाहे देखो ऐसा भी कर सकते हो, मतलब निकाल के बता दे रहा हूँ, है ना, ये जाएगा 4 × x कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 4 × x करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, 100 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 7। ठीक है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये 4 लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में 4 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 100 × 7 और अपान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर गया, डिवाइड हो गया। ये 4 × 4 हो गया, 4 25 times जाएगा, कितनी बार जाएगा? 25 times जाएगा। तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा 25 × 7 करने पर जो भी आंसर आए, है ना, 25 × 7 कर लोगे तो 7 × 5 = 35, ये 5 आ जाएगा, और 7 × 7 = 14 = 15 = 17 = 175 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 175 आई, अगर इसका जब वैल्यू लिखोगे तो इसका लिखोगे 100/175। ठीक है, एक तरीका हमारा ये है। ठीक है, यही तरीका कोशिश करोगे, यही तरीका लगाना है ना, कोशिश करके यही तरीका लगाओगे। एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ, कि जैसे कि अभी देख लीजिए कि ये दिया हुआ था 4/7, है ना, ये हुआ है न्यूमरेटर, हमको 100 रखना है, डिनोमिनेटर में क्या रखें,
ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये कितने टाइम्स बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है 25 टाइम्स, तो हमको भी इसको 25 टाइम्स बढ़ा देना है। तो ये भी 25 टाइम्स बढ़ेगा तो 125 आंसर 175 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 54/72 विथ न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन लगाओगे, जैसे मैंने 4 का मैं फर्स्ट बताया था जिसमें x वैल्यू रख करके सॉल्व करवाया था, वैसे ही 5 का भी करना है ना। इसमें ये डिवाइड पोर्शन जाएगा तो ये दिक्कत नहीं है, बस यहाँ x रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, है ना। जैसे 4 का फर्स्ट लगा है शुरुआत में, वैसे ही इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि चेक वेदर द फर्स्ट फ्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेकेंड। ये बताइए कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो सेकेंड का सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो कैसे पता लगेगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं यही बता दे रहा हूँ कि ये 4/7 क्या ही कह रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? 24/56 का। तो अब क्या करना है कि इसको काट देना है। किससे कटेगा? जो इसका एच सी एफ होगा उसी से कटता है ना। कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करो। देखिए ये 4 से कट जाएगा तो 4 6 होता है, ठीक है। 4 6 हो गया, अब इसको 4 से काटो तो 4 1 4 और 4 4 16 हो गया, है ना, ठीक है। ये आएगा, अब इसके बाद 2 से कटोगे तो 2 दोनों 2 से ही काटना है। ऐसा नहीं है कि 2 ऊपर से काटना है तो दूसरा किसी और नंबर से काटना है, ऐसा नहीं यूज कर सकते। हम किसका यूज करने जा रहे हैं? 2 क्यूब 2 यूज करने जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। 3 हमने क्यों नहीं लिया? 3 तो ये तो काट देगा, 3 6 को काट देगा, लेकिन 3 14 को नहीं काट पाएगा ना, इसलिए हम 3 को नहीं ले सकते हैं। ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों को काट सकता है, ठीक है। तो हमने लिया कौन नंबर? 2 लिया, तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, लेकिन अगर 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। बताइए इसका जब भी, अब तो नहीं कटेगा, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। तो 3 आया न्यूमरेटर में और 7 आया डिनोमिनेटर में, कहने मतलब 3/7 आया। क्या ये 4/7 की इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब है कि 4/7 ये जो हमारा 24/56 का इसका सिंपल फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, है ना। एक तो तरीका ये है, चाहो एक तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर सेम आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसका रिड्यूस टर्म है, और नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में चेंज मतलब किसको चेंज करना है ना। देख लीजिए एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ इसका, कि चाहे जी तो काट सकते हो ना, जैसे ये दोनों कट रहा है तो काट देना, या फिर एक काम करना कि 36 का फैक्टर लिख देना, है ना। 36 का फैक्टर हो जाएगा 2 18 आएगा, है ना, 2 9 आएगा, 3 3 आएगा, 3 करेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा, मतलब 2 × 2 × 3 × 3 आएगा, ठीक है। इसको याद रखना, इसको कॉपी में लिख लो, मैं अभी मतलब डायरेक्ट यूज कर दूंगा, है ना, क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। 2 × 2 आया है, 2 × 3 आया है। चलिए अब देखो 144 का कर लो, करोगे क्या? 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, फिर 2 आएगा, है ना, फिर 2 से करोगे तो 36 आएगा, है ना। और 36 का भी देख लो, 2 करेंगे तो फिर कितना आएगा? 18 आएगा, फिर 2 से करोगे 9 आएगा, फिर एक 3 आएगा, एक 3 आएगा अगर फैक्टर करोगे तब, ठीक है। फिर क्या करना देख लो, इसमें कितने 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है कितनी बार? 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 3 कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 आ रहा है केवल 2 टाइम्स। तो जैसे लिखा है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए 36 को लिख सकते हैं कितना? 2 × 2 × 3 × 3, है ना। अब यहाँ 144 का दिया है तो क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो जो जो कट जाए उसको उसको काट दो, ठीक है। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये कट गया। अब ये नहीं कि 0/4 होगा ना, यहाँ 1 बचता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हो, उम्मीद है कर ले जाओगे, है ना, ठीक है, गारंटी है कर ले जाओगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, देख ले
स्तुति हैड 40 काफी, स्तुति के पास कितना काफी टॉफी है, 40 टॉफी है, ठीक है, इसकी याद रखना 40 टॉफी है। और जो अमीना है, अरुणिमा है, अरुणिमा के पास कितनी है, 60 टॉफी है। अलीसा के पास 80 टॉफी है। आफ्टर वनिंग एक सप्ताह के बाद टॉफी लोग खा जाते हैं, ठीक है, टॉफी खा जाते हैं तो कुछ टॉफी बचती है, कौन कौन सी टॉफी बचती है देखिए कितना बचती है, लेफ्ट बचती है स्तुति वाज 20 टॉफी, स्तुति के पास सिर्फ 20 बचता है, ठीक है, स्तुति के पास कितना बचता है, ये मैंने यस लिखा हुआ है, स्तुति लिख देना। अब देखिए 20 बचता है लेकिन शुरू में कितना था, शुरू में 40 था, चलिए एक का हो गया। अरुणिमा विथ 30, तो अरुणिमा के पास कितना बचा, अरुणिमा के पास 30 बचा और टोटल कितना था, 60 था, ठीक है। चलिए अभी अरुणिमा हो गई, अब इसके बाद अलीसा, ठीक है, अलीसा के पास देखिए 40 बचा, कितना बचा, 40 लेफ्ट है और टोटल कितना था, 80 था, है ना, ठीक है, ये हमारा उसका फ्रैक्शन है। डिड ईच हैव आफ्टर ए वीक, तो चेक करना है कि विदर द कंज्यूम एंड इक्वल का क्या है, दोनों ने जो खाया है ये कंज्यूम किया है, सारे पार्ट इक्वल हैं, हाँ 21 जा 20, 22 जा 40, 31 जा 30, 32 जा 60, 41 जा 40, 42 जा 80, 1/2 इसका भी आ रहा है, 1/2 इसका भी आ रहा है, 1/2 इसका भी आ रहा है, कहने का मतलब है कि सभी का फ्रैक्शन क्या है, मतलब कि इक्वल है ना, तो सभी जो इज्यूम करते हैं वो इक्वल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, है ना। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, कि मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये होमवर्क करना इसको ना, ये मैचिंग करा लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में रेक्टेंगल है, इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ये हमको नहीं दिए है ना, लेकिन आगे दिया है कि इफ 16 ऑफ द पार्ट सो फॉर्म रिप्रेजेंट फ्रैक्शन 1/4, अगर उसका 16 जो पार्ट है वो 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पार्ट इन विच द टोटल, मतलब कि विच द रेक्टेंगल हैज बीन डिवाइडेड, तो कितने पार्ट में वो डिवाइडेड था इसको हमें बताना है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर कि हम टोटल जो पार्ट है कितने पार्ट में डिवाइड है, हम टोटल को मान लेते हैं कि एक्स पार्ट में वो क्या था, डिवाइड था, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, तो टोटल एक्स पार्ट में वो डिवाइड था, लेकिन एक्स पार्ट में जब वो 16 लिया, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, 16 ऑफ द पार्ट, टोटल एक्स पार्ट में जब वो 16 लिया तो उसका जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था 1/4 ना, तो ये 1/4 के इक्वल आ गया, बताइए टोटल कितना पार्ट था, तो हमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स का 1 में करेंगे तो हो जाएगा एक्स, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 4 हो जाएगा, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64, तो एक्स की वैल्यू 64 हो गई, इसका मतलब हो कि 64 पार्ट में वो शुरू में डिवाइडेड था, ठीक है, थैंक्स।